आजकल स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की भरमार है। अगर आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में लगभग 60% मोबाइल यूजर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस 60% में आधे से भी ये कम लोग अपने स्मार्टफोन में मौजूद सभी फंक्शन के बारे में जानते होंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि आपके स्मार्टफोन में इस्तेमाल में आने वाला फीचर जिसे हम फ्लाइट मोड कहते हैं किस काम आता है और उसका ये नाम कैसे पड़ा गया। दरअसल कई बार आप नहीं चाहते कि कोई कॉल या मैसेज आपके सेल फोन पर आए, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि आप फोन स्विच ऑफ भी नहीं करना चाहते। ऐसे में फ्लाइट मोड बड़ा काम आता है। फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करने पर स्मार्टफोन से सिग्नलों का आदान प्रदान बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कोई कॉल या मैसेज आपके फोन पर दस्तक नहीं देता और आपको अपना फोन भी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसे फ्लाइट मोड नाम देने के पीछे की भी एक वजह है। असल में ये फीचर आपको होने वाले डिस्टरबेंस को कम करने के लिए नहीं बल्कि फ्लाइट के दौरान इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करते समय प्लेन में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट आपको फोन फ्लाइट मोड में रखने को क्यों कहते हैं? क्यों आपसे आपके लैपटॉप और स्मार्टफोन को स्विच ऑफ या स्लीप मोड पर करने के लिए कहा जाता है? आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब बताने वाले हैं ताकि आप भी इस नॉलेज को आगे शेयर कर सकें और दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकें। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका छोटा सा फोन पूरे फ्लाइट के ऑपरेशन को अवरुद्ध कर सकता है। दरअसल फ्लाइट मोड पर डालने से आपके स्मार्टफोन की सारी डेटा सर्विसेज जैसे वाईफाई, GSM, ब्लूटूथ आदि बंद हो जाते हैं। यदि आपका फोन फ्लाइट मोड पर नहीं है तो इसके सिग्नल्स फ्लाइट की सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सिग्नल्स में बाधा डाल सकते हैं। लैंडिंग और टेक ऑफ फ्लाइट की सबसे दो संवेदनशील प्रक्रिया हैं, जिनमें बेहद सावधानी की जरूरत होती है। इस दौरान पायलट को एयरपोर्ट पर स्थित फ्लाइट कंट्रोल सेंटर से लगातार संपर्क साधना पड़ता है। ऐसे में आपके फोन के सिग्नल्स इस संपर्क में अवरोध पैदा कर सकते हैं, जिससे पायलट को ट्रैफिक कंट्रोलर से मिलने वाले निर्देश ठीक से नहीं सुनाई देने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आपसे प्लेन में सफर करते वक्त लैंडिंग और टेकऑफ के समय ऐसा करने के लिए कहा जाता है। हालांकि एक बार प्लेन हवा में चला जाए फिर आप अपने फोन का मोड नॉर्मल कर सकते हैं, पर देखा जाए तो फायदा तो तब भी नहीं है क्योंकि इतनी ऊपर तो वैसे भी आपका फोन कोई सिग्नल रिसीव या सेंड नहीं कर पाएगा। आप फ्लाइट के दौरान अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें डेटा एक्सचेंज की सुविधा यानी वाईफाई, GSM और ब्लूटूथ न हो। यही कारण है कि फ्लाइट में कैमरा, रिकॉर्डर आदि इस्तेमाल करने से कोई समस्या नहीं होगी। तो बेहतर यही होगा कि आप पूरी फ्लाइट के दौरान इसे फ्लाइट मोड पर ही रखें और किसी अनदेखे खतरे को निमंत्रण देने से बचें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।